फिलहाल मनीष तिवारी के ट्वीट पर बीजेपी की तरफ से तीखा हमला किया गया है। हमारे संवाददाता मिथिलेश के साथ खास बातचीत में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस को अंग्रेजी भाषा पर गर्व है और हमें हिंदी पर नाज है। अंग्रेजी भाषा की आलोचना बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने की है, जिसके बाद मनीष तिवारी ने पलटवार किया। मेरे साथ हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन जी। शहनवाज जी, पलटवार किया मनीष तिवारी ने राजनाथ जी की जो अंग्रेजी भाषा को लेकर जिन्होंने आलोचना की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपना देश और अपनी भाषा पे गर्व है, कांग्रेस के लोगों को अंग्रेजी और अंग्रेजियत पे नाज है। यही हमारी सोच और कांग्रेस की सोच में अंतर है। पार्टी का भी एक वर्ग मानता है कि ज्यादातर पार्टी में ऐसी नेताओं को तरजीह दी जा रही है, खासकर बीजेपी में, जो अंग्रेजी ज्यादा अच्छी जानते हैं। देखिए, मुझे इतनी तरजीह मिलती है, मैं कहां अंग्रेजी ज्यादा बोलता हूं। एसोचैम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने अपनी पीठ थपथपाई है और एनडीए के शासन की तुलना की है कि अब जो अर्थव्यवस्था है काफी अच्छी है और आंकड़े उन्होंने काफी पेश किए हैं। देखिए, आंकड़ों की बाजीगरी से नहीं चलेगा कुछ प्रधानमंत्री जी। देश के अंदर लोग जानते हैं कि आज अर्थव्यवस्था की हालत कितनी खराब है। अंतिम सवाल शहनवाज जी आपसे कि बिहार में जिस तरह से छपरा में जितने बच्चों की मौत हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने नहीं आए। खुदा करेगी वो अच्छे हों। जदयू के लोग कह रहे हैं कि उनकी तबीयत नाशाज है। हम दुआ करते हैं कि वो उनकी तबीयत सुधर जाए और वो बिहार के जो बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनके माथे पर हाथ रखें जाकर हमदर्दी का। अपने पार्टी के नेताओं से तो वो बातचीत कर ही रहे, जो गरीब बच्चे मर गए हैं उनके परिवार से भी बात कर लेंगे तो हमें खुशी होगा, पुराने साथी। ये थे शहनवाज हुसैन जी, साफ कह रहे हैं कि अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं से तो वो लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन उन्हें खुशी होगी अगर वो उन पीड़ितों से भी बात करें। कैमरामैन शरद के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली।